वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द ब्रेनी आउट चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशंस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ रेशियोज का मुझे दिख रहा है, फ्रैक्शंस एंड रेशियोज। इन अ पेट शॉप देयर आर ट्वाइस एज मेनी कैट्स एज देयर आर डॉग्स एंड एज मेनी पैरट्स एज 1/6 द नंबर ऑफ डॉग्स एंड एज मेनी मैनास एज 1/8 द नंबर ऑफ डॉग्स। If the total number of the total number of pets in the shop is 1580, then find the number of cats in the shop. तो ये क्वेश्चन हम रेशियो से कर लेंगे तो ईजी रहेगा। इसमें सबके रिलेशन जो है, नंबर ऑफ कैट्स भी डॉग्स की टर्म्स में है, पैरट्स भी नंबर ऑफ डॉग्स की टर्म्स में है, और जो मैनाज है वो भी डॉग्स की टर्म में। तो डॉग्स, कैट्स, पैरट्स, मैनाज। अब डॉग्स की वैल्यू को हम कुछ ऐसा अज्यूम करें कि हमारे पास सारी वैल्यूज राउंड फिगर में आ जाएं। कैट्स जो हैं वो डबल हैं डॉग से, तो डबल करना तो आसान है। डॉग्स का जो भी नंबर ले लूंगा उसको डबल करके तो होल नंबर में ही आएगा, हमें सब कुछ होल नंबर में चाहिए। पैरट्स को 1/6 करना है, इसको 1/6 भी करना है, और मैनास के लिए इसको 1/8 भी करना है। 6 से भी डिवाइड करना है, 8 से भी डिवाइड करना है। ऐसी वैल्यू सोच लेते जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए, जैसे कि इनका एलसीएम 24। तो 6 और 8 का एलसीएम इज 24, उसको यूज करना ईजी है हमारे लिए। तो आपने क्विकली माइंड में सोच लेना है कि कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाता है, और वो एलसीएम पहला वैसा नंबर होता है और वो ही हमें सिंपलेस्ट रेशियो दे देगा। तो 24 लिया हमने, कैट्स इसका डबल है, ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस का मतलब डबल हो गया, तो ये 48 हो गया। पैरट्स 1/6, इसका 1/6, इसको 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4। और मैनस इसका 1/8 है, तो 1/8 करने के लिए हमें इसको 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करके ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया रेशियो ऑफ दीज पर्टिकुलर पेट्स, नंबर ऑफ पेट्स। अब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रेशियो का बन गया हमारे लिए। इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में मत करना, ऐसा कभी नहीं करना है आपने 24x प्लस 48x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 1580, इस तरह से ये टोटल दिया हुआ है। ये तो हम स्कूल में करते थे, ऐसा स्मॉलर क्लासेस में करते थे, आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली रेशियो का कंसेप्ट यूज करना है कि ये टोटल है तो टोटल से डिवाइड कर दो, इनका टोटल आ जाएगा 72 प्लस 7 79, और ऊपर हमें जो चाहिए, जो कैलकुलेट करना है, हमें कैट चाहिए, तो यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा। तो 79 को 2 से करेंगे तो 158 आ जाएगा, और एक जीरो भी आ जाएगा। 20 × 48 करना है हमें सिंपली, 48 का डबल 96 होता है, 960 कैट्स होंगे वहां पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइप हम अभी नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगेन कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, ये भी थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो है इसकी लैंग्वेज या पूरा का पूरा टाइप चेंज होता रहता है डिफरेंट एग्जाम्स में, और पूरा क्वेश्चन हमको बेसिक से समझना पड़ता है। अ सम ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 45 चिल्ड्रन, इफ देर वर 5 चिल्ड्रन लेस each would have received a rupee more, but if there were 15 children more each would have received 2 rupees less, find the sum of money distributed। हमारे पास कुछ अमाउंट है उसको हम 45 चिल्ड्रन में डिवाइड हमें करना होता है, तो हमें कुछ पर हेड शेयर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 5 लेस हो जाए, मतलब अगर 40 हो जाए, तो अब जो पर हेड शेयर है वो कम आ रहा है, वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स कम हो गए, तो वो अ रुपी मोर, मतलब 1 रुपी मोर, तो 1 रुपी बढ़ गया वो। और अगर वही अमाउंट, टोटल सेम अमाउंट ही है, अगर 15 चिल्ड्रन बढ़ जाते, यानी कि इसमें 15 बढ़ा दो आप, तो 60 हो जाएंगे, अब 60 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो पर हेड कम मिलेगा और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपीज लेस, तो 2 रुपीज लेस मिलेंगे। तो इसमें प्लस 1 हो रहा है, प्लस यहाँ से हटा देता हूँ, प्लस 1 हो रहा है, इसमें माइनस 2 हो रहा है। और इसमें अब ये देखना जरूरी है कि आपको सपोज क्या करना है। ये क्वेश्चन हम 1 वेरिएबल में कर सकते हैं, तो हम 1 इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इसकी कॉम्प्लिकेशन को कम करते हैं, हम वेरिएबल ले लेते हैं पर हेड कितना मिल रहा था, बिकॉज हमें प्लस 1 माइनस 2 करने में ईजी रहेगा। वो हम टोटल को एक्स नहीं लेंगे, क्वेश्चन में टोटल फाइंड करना है ना, उसको एक्स नहीं लेंगे, हम पर हेड को एक्स ले लेते हैं। टोटल विल बी, अगर पर हेड एक्स मिल रहा है तो टोटल विल बी 45x। इस केस में, सेकंड केस में, जब स्टूडेंट्स कम हो गए
तो जो पर हेड मिल रहा है, अब मैं इसको एक्स प्लस वन लिख देता हूं, तो टोटल विल बी 40 इंटू एक्स प्लस वन। इस केस में जब स्टूडेंट्स बढ़ गए तो पर हेड 2 रुपीज कम हो गया, तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, टोटल विल बी 60 इंटू एक्स माइनस टू। ये टोटल सेम है, हमें तीन वैल्यूज तो चाहिए ही नहीं क्वेश्चन बनाने के लिए, हमें तो दो ही चाहिए, तो कोई भी दो वैल्यूज ले लो आप। 45x इज इक्वल टू 40x प्लस वन, सिर्फ ये हमें सॉल्व करनी थी इक्वेशन। तो 45x, ये 40x हो जाएगा और इधर आके माइनस हो जाएगा, 41 के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा। 5x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में पर हेड नहीं पूछा था। ये पर हेड मिल रहा है इस केस में 8 प्लस 1 9 रुपीज पर स्टूडेंट मिलेंगे, इस केस में 9 माइनस 2 7 रुपीज पर स्टूडेंट मिलेंगे। तो सॉरी, 8 प्लस 1 9 मिल रहा है, इसमें 8 माइनस 2 यानी कि 6 रुपीज पर हेड मिलेंगे। तो एनीवे, हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अभी आंसर निकालना। आंसर होगा, एक्स की वैल्यू पुट कर दो इजी वाले पार्ट में, यानी कि इसमें 45, टोटल विल बी 45x, 45 इंटू 8, दिस इज 360। तो ये हमारा आंसर है। हमारे पेपर पे सिर्फ रफ वर्क में इतनी कैलकुलेशन दिखनी चाहिए थी, बल्कि ये कैलकुलेशन भी हमें मेंटली करनी है। तो सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला पार्ट ही हमारी इक्वेशन में, हमारे रफ वर्क में दिखना चाहिए था। तो ये सिर्फ समझने के लिए हमने इतना डिटेल में लिखा है इक्वेशन को, पूरे क्वेश्चन को। मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करके ऐसे क्वेश्चंस को माइंड में ही समझ के इक्वेशन जो है सॉल्व कर दो पेपर पे, और उसमें भी जो काम मेंटली हो सकता है उसको मेंटली ही करो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85, इफ द लार्जर नंबर एक्सीड्स 4 टाइम्स द स्मॉलर वन बाय 10, देन द स्मॉलर नंबर इज। तो दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। उन दोनों का सम 85 दिया हुआ है, और उनका कुछ डिफरेंस दिया हुआ है। एक्सीड्स का मतलब होता है डिफरेंस, जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर वन के 4 टाइम्स से बड़ा है, मतलब एक को माइनस, लार्जर में से माइनस करेंगे 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर तो 10 आएगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, हम दो वेरिएबल करके भी कर सकते हैं, एक्स और वाई। बेटर है कि हम इस सिंपल डेटा को, ये जो सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम इससे हम उसको इजी कर दें। हमें स्मॉलर नंबर निकालना है, उसको एक्स ले लेते हैं, और जो लार्जर नंबर होगा वो 85 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इक्वेशन बना लेते हैं, लार्जर नंबर, द लार्जर नंबर एक्सीड्स, ये बड़ा है मतलब इसमें से बड़े में से माइनस कर रहे हैं, छोटी वैल्यू है 4 टाइम्स स्मॉलर, 4 टाइम्स स्मॉलर, स्मॉलर एक्स है तो 4x बाय 10। तो ऐसा हो जाएगा, ये 85 माइनस 5x हो गया। बस इतनी सी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये 5x वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 10 यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये आ गया एक्स, आ जाएगा 75 बाय 5 विच इज 15। ये हमारा आंसर है 15। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, पर और सिंपल करने के लिए हम इसको, एक तो सबसे पहली चीज की वेरिएबल एक ही कर दिया, ताकि एक ही क्वेश्चन बना के हम सॉल्व कर दें। इसको दो वेरिएबल बनाने में हमें ज्यादा टाइम लग जाता, ज्यादा लिखना भी पड़ता, तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने इजी बनाया है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आप हमारे चैनल पे दूसरे वीडियो जरूर देखिए, जिसमें आपको वेरियस बहुत ही अमेजिंग शॉर्टकट्स मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।